किसान साथियों, मई जून का महीना चल रहा है और राजस्थान में इन दिनों काफी तेज गर्मी पड़ रही है। राजस्थान में सिंचाई जल की बहुत किल्लत आती जा रही है। किसान साथी है बागवानी की ओर अपना रुख कर रहे हैं और जो भी किसान साथी बागवानी लगाना चाह रहे हैं वो इन दिनों अपनी बागवानी के लिए गड्ढे तैयार करने का काम कर रहे हैं। काफी किसान साथियों की यह कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है कि बागवानी के लिए वो कौन सा पौधा अपनाए कि कम पानी में और कम मेहनत में एक अच्छा मुनाफा ले सके। किसान साथियों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की जलवायु के लिए सबसे फेवरेबल बागवानी पौधे लेसवे लसोड़ी की। तो जो भी किसान साथी लेसवे लसोड़ी की खेती करना चाह रहे हैं, लेसवे लसोड़ी की खेती के संबंध में जानकारी लेना चाह रहे हैं, वो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे क्योंकि लेसवे की खेती के संबंध में आज हम आपको बहुत अनछुई अनजानी बातें बताएंगे जिनको जानकर आप लेसवे की खेती में एक महारत हासिल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं आपका किसान साथी मदन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल खेती तकनीक, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं खेती बाड़ी एवं बागवानी से संबंधित विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां और मिलाते हैं आपको ऐसे अनुभवी किसानों से जिनके अनुभवों से आप अपनी खेती बाड़ी को एक नया स्वरूप दे पाते हैं और कम खर्चे एवं कम मेहनत में अच्छा उत्पादन ले पाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे बागवानी के तहत राजस्थान में लगाए जाने वाले सबसे फेवरेबल पौधे लसोड़ी की, जिसे लेसवे एवं गुंदे के नाम से भी जाना जाता है। किसान साथियों, अगर आपके यहाँ पानी कम है, आप कम मेहनत में एक अच्छा उत्पादन लेना चाह रहे हैं, तो आपके लिए लेसवा एक सबसे महत्वपूर्ण बागवानी फसल हो सकता है। काफी किसान साथियों की यह क्यूरीज आ रही है, भाई लेसवा अगर हम खेत में लगाना चाहें तो कब लगाएं, कैसे लगाएं, कौन सी किस्म चुने और किस प्रकार से लेसवे की देखभाल करें कि एक अच्छा उत्पादन ले सके। तो किसान साथियों, मैं आपको बता देना चाहूंगा, अभी मई जून का महीना चल रहा है, जो भी किसान साथी अपने यहाँ बागवानी करना चाह रहे हैं और बागवानी में लेसवे का चुनाव करना चाह रहे हैं, वे किसान साथी अभी अपने खेत में गड्ढे कर ले। बात रही गड्ढे करने की, तो किसान साथी विशेष ध्यान रखे, लेसवे का पौधा काफी हाइट लेता है, काफी आकार लेता है, तो आप जहाँ कहीं भी जिस किसी भी खेत में अगर लेसवे का पौधा लगा रहे हैं, लसोड़े का पौधा लगा रहे हैं, तो पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 15 से 20 फीट की रखे, ताकि जब पौधा आपका आकार ले तो आपको किसी प्रकार की समस्या न हो। और नर्सरी लगाने से पहले जो आप गड्ढा कर रहे हैं उसको 15 से 20 दिन अच्छे से धूप लगाए, धूप लगाने के बाद जो आपने मिट्टी निकाली है उसमें लगभग 10 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद, लगभग 100 ग्राम के आसपास आप DAP वगैरह उस मिट्टी में मिक्स करके खड्डे को पुनः भर दे। जब आपके यहाँ पहली बरसात हो जाए उसके बाद आप पौधे को गड्ढे में लगाए। अब बात रही कि भाई पौधे को लगाने से पहले बीज लगाए या नर्सरी का चुनाव करें, तो किसान साथियों मैं आपको बता देना चाहूंगा, अगर आप बीज से लसोड़ी का पौधा अगर लगा रहे हैं, लसोड़ी की बागवानी कर रहे हैं, तो उसमें कई प्रकार के विकार आ सकते हैं और भविष्य में आपके जो लसोड़े हैं उसकी क्वालिटी में फर्क आ सकता है, उत्पादन में फर्क आ सकता है। इसलिए किसान साथी संवर्धित नर्सरी को ही खेत में लगाने के लिए चुनाव करे, लेसवे के बीज को कम से कम प्रायोरिटी दे। और बात रही किस्म की, भाई किसान साथी कौन सी किस्म का लेसवा लगाए, लसोड़ा लगाए, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, राजस्थान में जो सबसे अधिक उत्पादन वाला, सबसे अच्छे आकार वाला, क्वालिटी वाला जो लेसवा है वह है आपका राय लेसवा। आप कहीं भी नर्सरी पे जाए तो राय लेसवे का चुनाव करें, निश्चित तौर पर यह आपको कम खर्चे में कम मेहनत में एक अच्छा उत्पादन देगा। किसान साथियों, बात हो गई आपकी लेसवे लसोड़े के लगाने और वेराइटी के चुनाव की, कि भाई आपको कौन सी वेराइटी का चुनाव करना है और किस प्रकार से आपको लेसवा लगाना है, कब लगाना है। किसान साथियों, बात करें लेसवे की देखभाल की, तो लेसवे की देखभाल के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। गर्मियों में आप 5 से 7 दिन में लेसवे की सिंचाई करें और सर्दियों के मौसम में आप 15 से 20 दिन के दौरान भी सिंचाई कर दे, तो लेसवे के पौधे पे किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। किसान साथियों, लेसवे लसोड़ी की खेती में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है लेसवे की कटिंग और लेसवे में पत्तों का गिरना। तो अगर आपको एक क्वालिटी वाला और बेहतर उत्पादन लेना है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वह है कि आप अक्टूबर या नवंबर के महीने से लसोड़े में आपके लेसवे में सिंचाई कम कर दे, ताकि इसके जो पत्ते हैं पीले होकर गिर जाए। जब तक आपके लसोड़े के लेसवे के पत्ते पीले होकर नहीं गिरेंगे, नए पत्ते नहीं आएंगे, तब तक आपके लसोड़े में किसी प्रकार का उत्पादन नहीं आएगा और उत्पादन धीरे धीरे गिरता जाएगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, जैसे ही आपके पत्ते गिर जाए लगभग जनवरी लास्ट और फरवरी के फर्स्ट वीक में आप इसमें खड्डों की अच्छे से खुदाई करें और खड्डों की खुदाई करने के बाद इसमें लगभग
एक साल का पौधा है तो लगभग 10 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद और 100 ग्राम के आसपास आप इसमें डीएपी एवं पोटास डालें। जैसे जैसे पौधे की उम्र बढ़ती जाए उस हिसाब से 10 किलो प्रति साल के हिसाब से आप इसमें गोबर की खाद बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा, पौधे को पर्याप्त न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे और पौधा समय से अच्छी फुटान करेगा, और अच्छी फुटान आएगी तो निश्चित तौर पर आपके जो इसमें पुष्पन की क्रिया अच्छी रहेगी और आपके जो फल हैं वो अच्छी मात्रा में लगेंगे। खाद डालने का जो आपका सबसे प्रॉपर और उचित समय रहेगा वह रहेगा फरवरी मार्च और सितंबर अक्टूबर। दूसरी बात है लसोड़ी की कटिंग की। जी हाँ किसान साथियों, ये भी बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। मैं आपको बता दूं, मेरे लेसवे के पौधे लगभग 3 से 4 साल के हो गए और मैंने इनकी अभी तक कटिंग नहीं की है। पिछली बार भी कुछ फल आए थे तो मैंने केवल कटर की सहायता से जो फल थे उनको केवल फलों को काट लिया था और इसकी जो डालियां हैं उनकी कटिंग नहीं की थी। आप देख सकते हैं, हमारे किसान साथियों को एक बार दिखाएं, इसकी जो डालियां हैं वो थोड़ी जंग्ड हो गई है, फ्रेश डालियां नहीं है। ये जो जंग्ड शाखाएं हैं इन जंग्ड शाखाओं पे जो पुष्पन की क्रिया है, जो फुटान की क्रिया है बहुत ही कम रहती है। इसलिए किसान साथी ध्यान दें, जब भी आपका पौधा 3 से 4 साल का हो जाए तो इसमें नियमित रूप से आप इसकी कटिंग का ध्यान रखें। हल्की हल्की इसकी कटिंग कर देंगे, नई फुटान आएगी और नए जो कोंपले निकलेंगी, नई जो नालियां निकलेंगी उन पर जो फल लगेंगे, जो फल की क्वालिटी होगी वो बहुत ही उम्दा होगी। और इसका मैं आपको एक उदाहरण भी बता देता हूँ, आइए हमारे किसान साथियों को दिखाइए। जैसे आपका ये पौधा है, इसकी कटिंग नहीं की, पिछली बार भी हमने इसे जो फल की हार्वेस्टिंग है वो केवल कटर से ही की थी और कटिंग नहीं करने का आप नतीजा देख सकते हैं कि इसमें जो फल हैं बिल्कुल कम लगे हैं और जो फल की क्वालिटी है वो भी इतनी बेहतर नहीं है। जबकि आपको मैं दूसरा पौधा दिखाता हूँ जिसकी मैंने कटिंग की थी और उस पौधे की कटिंग करने के बाद उसमें जो फल आए हैं बहुत ही शानदार क्वालिटी के आए हैं, तो आप एक बार हमारे किसान साथियों को लाकर दिखाएं। इस पौधे में कुछ मैंने ब्रांचें डालियां काट दी थी, आप देख सकते हैं इसमें फुटान के बाद जो पत्ते आए हैं वो बहुत ही फ्रेश हैं और तरीके वाले हैं। और इसमें देखो आपका जो गोंदा लगा है, लेसवा लगा है, उसकी क्वालिटी आप देखें किस क्वालिटी में, मतलब अन्य जो लेसवे हैं जो गोंदे के पेड़ हैं उनकी बजाय इसमें जो फल आए हैं वो क्वालिटी वाले आए हैं। तो इसीलिए किसान साथी ध्यान रखे, 2 या 3 साल से जैसे ही आपको लगे कि भाई पौधे की जो ब्रांचे हैं डालियां हैं जंग्ड हो गई है, बेकार हो गई है, उनमें फुटान नहीं आ रही है, तो उनकी आप कटिंग कर दे। मैंने इस बार इनकी विशेष सावधानी से कटिंग की है। आप देख सकते हैं जो ये छोटे वाले पौधे हैं इनकी इस बार भी जो हार्वेस्टिंग है वो कटर से ही होगी, जबकि इस बार जो डालियां जंक हो रखी थी आप देख सकते हैं, ये जो अपना लेसवा है, लसोड़ा है, इसमें ये डालियां जंक हो रखी है, तो इनको मैंने इस तरीके से काट दिया है कुल्हाड़ी से ताकि इस पे अब की बार जो फुटान होगी वो बेहतरीन होगी और इसमें उत्पादन भी अच्छी क्वालिटी वाला और बेहतर आएगा। किसान साथी ध्यान रखें, इसकी जो कटिंग है, कटिंग में जो सबसे बड़ी सावधानी रखने वाली है वो है कि इसको आप इस तरीके से काटें। किसान साथियों को दिखाएं कि जो आप ब्रांच काट रहे हैं, डाली काट रहे हैं, उसका छिलका छाल है वो न उतरे, क्योंकि अगर ये छिलका छाल उतर के अगर आगे तक बढ़ गया ना तो यहाँ से आपका ये जो ब्रांच है, जो डाली है, खराब हो जाएगी। तो जो भी जिस भी औजार से आप कटिंग करें वो धारदार हो और सावधानी से आप काटें। किसान साथियों, जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें रोग वाली समस्या रहती है वह रहती है तनागलन की। आप किसान साथियों को दिखाएं, इसमें तने में हल्का सा गोंद निकलता है और ये जो तना है धीरे धीरे इसमें गिरावट आ जाती है और गल के तना भी खराब हो सकता है, इसकी डालियां या शाखाएं भी खराब हो सकती है। तो आप इस रोग के निपटान के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सफ़ेदी करने वाली जो कली के टंटे हैं उनको और को नीले थोते को लेना है, नीले थोते को और उस कली को एक जगह मिक्स करके उससे जो आप घोल बना रहे हैं उस घोल को आप साल में 2 बार इस पे पुताई कर दे तो आपकी जो ये जड़ तना गलन की जो शाखाएं गलने की समस्या आ रही है बिल्कुल नहीं आएगी और आपका पौधा स्वस्थ समृद्ध विकास करेगा। लगभग जब पौधा 6 से 7 साल का हो जाएगा उसके बाद ये समस्या कम हो जाएगी, उसके बाद आपको स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसका स्प्रे नहीं कर रहे हैं तो आप जो ब्लू कोपर है, कोपर ऑक्सीक्लोराइड है, उसका घोल बनाकर भी तने पर और डालियों पर छिड़काव कर दे तो इसमें जो तना गलन की समस्या है वह नहीं आएगी। किसान साथियों, आज के लिए बस इतना ही। लसोड़ी की, लेसवे की खेती के संबंध में आप किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाह रहे हैं तो
हमें कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल खेतरी तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि बागवानी एवं खेती बाड़ी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां आपको घर बैठे मिलती रहें। साथ ही अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि अन्य किसान साथी जो बागवानी के लिए एक अच्छी और कम मेहनत वाली बागवानी फसल का चुनाव करना चाह रहे हैं उनको भी लेसवे की खेती के संबंध में जानकारी मिल सके और वो भी अपनी बागवानी को सशक्त और समृद्ध बना सके। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।